इस वक्त पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दे दिया कि भाई जो लाइफ टाइम डिसकॉलीफ़िकेशन है वो अब नहीं हो सकती और जजेस की अक्सरत ने यह फ़ैसला दिया लेकिन एक जज ने अख्तलाफी नोट लगाया है और बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से पहले जब नवाज़ शरीफ को नाहल किया गया था तब भी जो है ना एक जज ने इख्लाफी नोट लगाया था और उस अख्तिलाफी नोट को अब जो है ना इन्होंने आ, समझें कि कंटिन्यू करके मेजॉर्टी जजेज़ ने फैसला दिया है कि ये लाइफ टाइम डिसकॉलीफिकेशन नहीं होनी चाहिए तो आ, उस पर हामिद मीर का तो तज् बहुत अच्छा आया है लेकिन मैं अपनी तरफ से थोड़ा सा बताऊँगा कि ये जो पहले जजेस थे जिन्होंने उस वक्त के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपने नोट लगाया था तो आज उसकी समझें कि तो उन्होंने क्या कहेंगे कि एक ताइद कर दिए मौजूदा चीफ जस्टिस और उस उनके बेंच ने इस तरह से जिस जज ने अब उस इस फैसले पर अपने अख्तिलाफी नोट लगाया है फ्यूचर में यही अख्तिलाफी नोट की भी ताइद होगी आगे चल के तो जो असल इदारे हैं पाकिस्तान के जो फौजी कोर्ट्स बनाना चाहते हैं जो बहुत कुछ और करना चाहते हैं इन्होंने हमेशा एक चीज़ अपने पास रखी है मतलब कि जजेस को जो डायरेक्शन मिलती है उस हिसाब से फैसले आना शुरू हो जाते हैं कोर्टों में गहरा तंग होना शुरू हो जाता है हर चीज़ की पता पूरे पाकिस्तान को ये पता है कि जो हमारे फ़ौजी इस्टबलिशमेंट है वो जो चाहती है वो कर सकती है पहले जो फ़ैसले आए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कि नवाज़ शरीफ नाहेल होंगे ताहायात जहांगीर तरीन और सारे जितने और लोग थे तो उनमें भी एक जज के अख्तिलाफी नोट थे कि भाई ये नहीं होना चाहिए और सादक और अमीन की जो है तशरी अपने हिसाब से होनी चाहिए अब जो फैसला आया इसमें भी एक जज ने मौजूदा जो फैसला है उसके खिलाफ एक अपना आ, क्या कहेंगे कि नोट लगाया है इख्लाफी नोट के ये गलत फैसला है तो इस तरह से फ्यूचर में यही जो अख्तिलाफी नोट है वो फिर अगेन इस्तेमाल होगा और हमेशा वही जो फ़ोर्सेज़ हैं जो इधर उधर करती रहती हैं मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है वो इसको यूज़ करेंगे अब एक और मामला था जब जनरल परवेज मुशरफ आया था इकतदार में तो उन्होंने फिर वो ग्रेजुएशन की एक शर्त रखी थी कि कोई भी उम्मीदवार जो है वो अब अनपढ़ नहीं होगा तो उस वक्त जो है सिंध के अंदर और पूरे पाकिस्तान के अंदर जाली डिग्रियों का केस हुआ और उसमें बहुत सारे लोगों को नाहल करार दिया गया उसमें एक जो न, बड़ा केस है दो बड़े केसेस हैं सिंध के अंदर जो इस, इस वक्त भी कोर्टों के अंदर जो है ना पड़े हुए हैं भली उनको नाहली ना भी हो तो इतने अरसे से उन केसेस की वजह से वो लोग जो हैं मज़े ले रहे हैं और आइन और कानून की जो ख़िलाफ़वर्जियाँ होती रही हैं उसमें एक केस है शाह आता मरी का जाली डिग्री केस और दूसरा मुकेश कुमार चावला का अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुकेश चावला को जब डिग्री चाहिए थी तो उन्होंने बहुत ज़्यादा तफतीश की और मतलब कि ऐसी डिग्री चाहिए थी जो जाहिर आगे उसकी अगर वेरीफ़िकेशन भी हो सके तो उन्होंने सजावल में जो ठठा ज़िला की तहसील थी वहाँ से एक बंदा था मुकेश कुमार ठीक है उनकी डिग्री को इस्तेमाल किया और इस तरह से आ, उसका मामला भी चलता रहा कि भाई वो कभी ठट्ठा में गए ही नहीं कभी पढ़े ही नहीं तो उसकी डिग्री कैसे इस्तेमाल हो रही है अभी भी वो मामला लटका हुआ है दूसरा केस हुआ जब लयारी से शाजिया मरी साहिबा इलेक्शन मतलब लड़ने के लिए हुई तो उनको उस वक्त के सियासी एक लीडर ने एक, एक लड़की थी लयारी की गरीब लड़की थी उनका नाम जो है ना वो शाजिया अता था आ, उसको उन्होंने वहाँ से ढूंढ़ ढूंढ़ के बहरहाल किया और इतफाक़ की बात यह कि उनके वालिद का नाम भी सेम था तो मेरे पास वो डिग्री मौजूद है और जो आ, सर्टिफिकेट है यूनिवर्सिटी के भी मैं आपको शेयर कर दूंगा इस्क्रीन के ऊपर अब इसके खिलाफ़ जो है वो सांग के एक नौजवान अता एक पटिशनर हैं अता चानों वो गए थे कोर्ट में और उन्होंने कहा कि भाई ये जो डिग्रीज़ हैं ये जाली हैं और उन्होंने जो है इंटर किया था मेरे ख्याल में उन्नीस सौ पचानवे में गालबन वो भी शाजिया नाम है और अता महमद है आगे कोई मरी शरी लिखा हुआ नहीं है इस तरह से जो ग्रेजुएशन का किया है किया हुआ है वो भी जो है यही है कि अपना शाजिया सन ऑफ अता डॉटर ऑफ अता मोहम्मद तो इन इन दोनों चीज़ों की कोई अब तक वेरिफिकेशन नहीं हुई है अच्छा शाजिया मरी का जो असल नाम है शाजिया जन्नत मरी है जो उनके कार्ड वगैरह में और जो डाटर है वो अता मोहम्मद मरी की हैं जो दूसरी लड़की है वो है शाजिया डॉटर ऑफ अता मोहम्मद रेजिडेंट ऑफ 53 स्ट्रीट नंबर ए फोर हामिद मंजिल आगरा ताज कॉलोनी लयारी और जबकि उनकी जो एड्रेस है वो रेजिडेंट ऑफ थ्री डी आब्लिक टू फर्स्ट गिजरी लैंड डी एच ए फेस फाइव है तो ये जो जाली डिग्री का केस है ये अब तक जो है ना इन ये सॉल्व इसलिए नहीं हो रहा कि उस लड़की को डरा धमका के इन्होंने तो खामोश किया लेकिन ये जो डिग्री है ये हंड्रेड परसेंट शाहज़िया मरी साहिबा की अपनी नहीं है उन्होंने ग्रेजुएशन की नहीं है और इस तरह से वो आ गई थी उस लड़की का जो सर्टिफिकेट है वो इस्तेमाल हुआ है अब इसके पीछे जो इदारे हैं वो पता नहीं क्यों मुसलसल खामोश थे और इस तरह से मुकेश चावला को भी इन्होंने ये दे दिया तो ये जो ये फैसला आया है उसका इम्पेक्ट अब जाली डिग्रियों पे भी पड़ेगा कि जो लोग नाहल करार दिए गए थे और उनकी वो हुआ था तो मेरे ख़्याल में अब उनको भी बड़ा रिलीफ मिल जाएगा कि भाई कोई नाहली नहीं होगी और नाहली होगी तो उसका क्या होगा तो ये जो केसेस हैं इनको मेरे ख़्याल में दोबारा देखना चाहिए और बहुत बड़े इंपॉर्टेंट मामला हैं और अब बड़ी बात यह कि जब देखें पाकिस्तान की तमाम अदालतें सुप्रीम कोर्ट जज सारा जो एक लकीर पर चल रहे हैं तो फिर ये जो मुतालबा है कि फ़ौजी अदालतें बननी चाहिए और फौज डायरेक्ट खुद सज़ाएँ दें तो मेरे ख्याल इनकी तो ज़रूरत ही नहीं है जब हर चीज़ उनके हिसाब से चल रही है तो फिर भाई इतना खफा करने की ज़रूरत क्या है इतनी परेशानी की ज़रूरत क्या है तो इन तमाम चीज़ों को फिर रिव्यू करें और ये रिलीफ पाकिस्तान के अवाम को दें अब आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर किस तरह से मामला चल रहे हैं और किस तरह से आइन और कानून की अपनी अपनी तशरी करके किसी वजी अजम को घर भेजा जा रहा है किसी को नायल करार दिया जा रहा है फिर उन्हीं फ़ैसलों को रिवर्स करने के लिए कोई एक लूप होल छोड़ा जाता है जिसको बाद में इस्तेमाल किया जाता है